देखाइरहेको यो दृश्य भारतको नभई काठमाडौँको हो। काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित भारतीय दूतावास अगाडि सयौंको संख्यामा भारतीय युवाहरू एनओसी अर्थात् नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिनको लागि लाइनमा बसिरहेको देख्न सकिन्छ। भारतीय युवाहरू आज बिहान सबैरै 2 बजेदेखि नै लाइनमा बसेर दूतावासले दिने नो अब्जेक्सन लेटरको पर्खाइमा देखिन्छन्। यहाँ लाइनमा बसेकाहरू मध्ये अधिकांशले विभिन्न देशमा जानको लागि टिकट काटिसकेका छन्। कसैको भोलिको टिकट छ भने कसैको 1-2 दिन पछाडिको टिकट रहेको उनीहरूले बताइरहेका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश एजेन्टहरू मार्फत विदेश जानको लागि आएका, रोजगारीका लागि जान आएका युवाहरू रहेका छन्। लाइनमा बसेका अधिकांशले आफ्नो देशको दूतावासलाई एनओसीको लागि इमेल मार्फत आवेदन दिएका छन्, तर कसैको पनि दूतावासबाट रिप्लाई आएको छैन, जसको कारण उनीहरूको काम भइराखेको छैन। दूतावासको गेटबाट भित्र छिर्न अपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ भनिएको छ। उनीहरूलाई दूतावासमा छिर्न नदिएपछि उनीहरू थप अन्योल बनेका छन्। यसै सम्बन्धमा मैले आफूले जानेसम्मको हिन्दी भाषा प्रयोग गरेर यहाँ लाइनमा आएका युवाहरूको आवाजलाई जस्ताको तस्तै समेट्ने प्रयास गरेको छु। अबको क्रममा हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये अधिकांश चाहिँ 1-2 दिनमा 1-2 दिन अगाडि मात्रै यहाँ नेपाल आउनुभएको भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले जानकारी पाएको छु। र केही व्यक्तिहरूसँग म यहाँ सोध्छु उहाँहरू कहाँबाट आउनुभएको हो। हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। किधर से आए आप? इन्डिया से आए। अपॉइंटमेंट है आपके पास? अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं लिया है। जो गेट में है वो तो कह रहा है कि जो जिसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है वो अंदर जा नहीं जा सकता। आपने ईमेल तो किया है ना? ईमेल किया है, अपॉइंटमेंट नहीं आया है। कौन सा देश के लिए अप्लाई किया था? सऊदी अरेबिया के लिए। रोज़गारी के लिए जाना है उधर? ओके, इंडिया से जा नहीं पा रहा है क्या? इसीलिए नेपाल आया है। कब आया था नेपाल? 15 दिन का पहले। कब से लाइन बैठ रहा है इधर? आज कब से लाइन बैठ रहा है? 7 बजे। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरू चाहिँ धेरै लामो लाइन छ, धेरै लामो। म अन्य साथीहरूसँग पनि सोध्छु जो भारतीय चाहिँ पासपोर्ट वाहकहरू हुनुहुन्छ अधिकांश, एनओसी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटको लागि उहाँहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूसँग केही कुरा गर्छु भनेको छु यहाँ, तर एकदम डिस्टर्बेन्स छ, त्यही कारणले उहाँहरूको कुरा तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छैन होला। जो आउनु भएको छ, यो COVID-19 यस्तो प्रभावको बेलामा यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालबाट विभिन्न देश जान पाइन्छ भनेर, भारतबाट विभिन्न देशमा जानलाई यतिखेर वर्जित गरिएको अवस्था छ भने, यतिखेर नेपालको बाटो हुँदै उहाँहरू जानको लागि चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भएको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। र एकदमै जोखिम अवस्था छ यो। भारतमा चाहिँ कोरोना महामारी एकदमै ठुलो व्यापक रूपमा बढिरहेको अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ 2-3 दिन 1 हप्ता अगाडि आउनुभएको भन्ने कुराहरू मैले जानकारी पाएको छु। र अधिकांशले एपोइन्टमेन्ट लिनुभएको छैन, एप्लाई गर्नुभएको छ तर त्यस्तो छैन। र मुख्य विषय भनेको यहाँ तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा, नेपालबाट साउदी अरेबिया जान पाइन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ साउदी जानको लागि
यहाँ यति धेरै यति ठुलो लाइनमा चाहिँ बसिराख्नु भएको छ त्यो कारणले भन्ने छ। र म अझै पनि यहाँ धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरू लाइनमा जो बसिराख्नु भएको छ, इभन यतातिर बसिराख्नु भएको धेरैसँग म कुराकानीको लागि जोडिन चाहन्छु। हेलो, अब किधर जाने के लिए आए? हमको कहीं नहीं जाना, यही पे दूसरा आदमी आया है। आपका फ्रेंड्स आया है? कार्ड बनवाने। ओके, कार्ड बनाने के लिए विदेश जाने के लिए आए? कौन सा देश जाने के लिए आए? कौन सा देश जाने के लिए आए आए है आपका फ्रेंड? कतार। कतार जाने के लिए? इंडिया से नहीं जा पा रहा है इसलिए नेपाल में NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए इधर आए है। ये तो बहुत लंबा लाइन है ना, आपको आप लोगों को बहुत शास्ती झेलना पड़ रहा है, बहुत दुख हुआ है। ओके, कॉल के लिए? कल रात में कराया था। हाँ, बताओ टिकट नहीं मिल रहा। ओके, इधर पड़े 15-16 दिन हो गया, आज कभी ऐसा कर दिया। देखो, अपॉइंटमेंट है कि नहीं है आपके पास? अपॉइंटमेंट तो सब भेज रहे हैं उधर मैसेज, मगर वो रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का भी। वो बोलते हैं कि ईमेल करो, किसी के नहीं है, किसी का ईमेल नहीं आ रहा अभी। इतना अटक हुआ है, देखो ये जो लाइन में है वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। ये नया नियम निकाल दिया इन्होंने यहाँ से। आपको किसने कहा था कि नेपाल से जा सकते हैं? किसने कहा था? नेपाल से आ रहे ना, एजेंट भेज रहे हैं। एजेंट ने? अभी कितना लोग जा चुका, अभी तो आज से तो दिक्कत हुआ है, कितना लोग चला गया। हमारा होटल का कल भी गया था। नेपाली आता है आपको? नेपाली बोलने आता है? नेपाली नहीं आता। आप किधर से बिलोंग करते हैं? इंडिया? इंडिया मुजफ्फरनगर। कौन सा जिला? मुजफ्फरनगर जिला है हमारा। ओके, ओ इंटर करने के लिए दिया है? नहीं दिया है गेट से? नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है। वो जो अंदर काम करने वाला है कोट पैंट पहनना, ऊपर खड़ा हुआ गाली दे रहा हूँ। हाँ, आपकी देश का, आपकी देश का है ना वो तो। इधर से NOC मिल गया तो आप इंडिया जाके ये फॉर्म में अंदर जमा करना था, बोलते हैं कि ईमेल दिखाओ। अब ईमेल नहीं दिख रहा, ईमेल कहाँ से लाए? किया है उनको तो मैं, रिप्लाई नहीं आया वापस। ओके, सब आदमी परेशान है, उधर गली में भी खड़े हैं। आप लोग जो एयरपोर्ट से, एयरलाइन से आए या बस से आए थे नेपाल? नहीं नहीं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट से आए थे। एयरपोर्ट से? इसके बाद उधर पैसा दिया था, 93,000 रुपए दिया था। सब एजेंट ने करता है वैसे, मगर उसका तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, समझ ये दिक्कत कर रहे हैं। ओके, वही तो अभी 4 बजे आके बैठे थे, 4 बज गया, 4 बजे सुबह आया था, सुबह 4 बजे जब तो इधर थोड़ा सा आदमी था, 64 आदमी बैठा हुआ था बस, अभी देखो पूरा लाइन भरा हुआ। हां हां, हम आगे भी पूछते हैं क्यों नहीं अंदर जाने दे रहा है। दर्शक महानुभावहरू, यो एकदमै व्यापक लाइन छ यहाँ, म यहाँ अरू पनि व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्छु। यो स्वास्थ्य प्रोटोकल्स अनुसार चाहिँ एकदम यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। धमाधम नेपालबाट विदेश जान पाइन्छ भनेर यहाँहरू उहाँहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ। हेलो, आपको नेपाली आता है? नेपाली नहीं आता है, हिंदी आता है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप किधर से बिलोंग करते हैं? यूपी, बरेली। यूपी से? आपके पास अपॉइंटमेंट है कि नहीं है अंदर जाने के लिए? दिया था पर रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया है, सबकी एक ही समस्या है, जो इधर खड़ा है लाइन में जो लामबद्ध है। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल आपने कर चुका है पर सब कर चुके हैं, रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया है, सुबह से लाइन में खड़े हैं आप लोग। कितने कितने बजे? 4 बजे आया था, है ना? रात के 2 बजे आया था कि एजेंट ने भेजा है, और आप के, आप क्या आप आया इधर? आप लोग एजेंट से आए, कुछ लोग डायरेक्ट आए। किस देश के लिए जाने के लिए आए आप? सऊदी में जाने के लिए। इंडिया से अभी जा नहीं पा रहा है इसीलिए नेपाल से, फ्लाइट बंद होने की वजह से हम लोग इधर आ रहा है NOC लेने के। ओके, क्योंकि वीजा वहाँ से लगता नहीं है। हजुर, उस वो प्रॉब्लम की वजह से इधर NOC निकालते हैं। हाँ, तो NOC के लिए सुबह 7-3 बजे से लाइन में लगा हुआ पूरा पब्लिक। हाँ, मसला ये है, जीमेल भेज रहे हैं, जीमेल सेंड हो रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम है। वो लोग बोल रहे हैं रिप्लाई दिखाओ, रिप्लाई दिखाओ, जब आ नहीं रहा तो कहाँ से दिखाएगा। ओके, और कम से कम 80% आदमी के पास इधर पहली बात तो नेट नहीं है, और फ्राइडे से ईमेल किया हुआ है आ ही नहीं रहा है, तो अभी यहाँ पे लाइन में खड़ा किसी को नेट नहीं मिल रहा है, जिसके पास है उसको भी नहीं आ रहा। हम लोग इंडिया से आ रहा है इधर NOC लेने के लिए, NOC नहीं, इधर 14 दिन क्वारंटाइन होना, इसके बाद जाना। तो मसला यह है कि इधर NOC लेना पड़ रहा है और NOC के लिए लाइन है पूरा। आप लोग 14 दिन ऑलरेडी क्वारंटाइन में? 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन में इधर है।
18 दिन से इधर रुका हुआ, 26 तारीख को आया। क्वारंटाइन किधर है आपका? थमेल में, होटल में। ओके, होटल में क्वारंटाइन है। तो मैं उधर भी पूछता हूँ जो है, यदि ओके दर्शक महानुभावहरु, यतिखेर म भारतीय दूतावास अगाडि छु र यो दूतावासको एक खालको यो के हो आई डोन्ट नो, म यहाँ भित्र छिर्छु, बुझ्छु उहाँहरूसँग के रहेछ विषयमा। म भारतीय दूतावास अगाडि छु। यतिखेर कोरोना महामारीको व्यापक छ भारतमा, ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना महामारी फैलिरहेको अवस्था छ र उहाँहरू सबै जति आउनु भएको छ यहाँ, यो लाइन छ, एकदमै ठुलो भिड छ। ठीक है। मैंने फ्राइडे के दिन मेल किया, सैटरडे, संडे, फिर अभी सुबह 7 बजे, फिर अभी 11 बजे किया। अभी मैं मेल दिखा देता हूँ। जिस जिसके पास अपॉइंटमेंट है वो इधर खड़ा हो सकते हैं, लाइन में बैठ सकता है। जिस जिसके पास नहीं है वो आपके रेसिडेंस है और किधर है आपका जो बसने के लिए ठिकाना, उधर जाके रह सकते हैं। वो से आपका दूतावास है, हमारा दूतावास नहीं है, वो आपका देश का दूतावास है। इसलिए जो मैं तो जस्ट मीडिया से बिलोंग करता हूँ, आपका जो समस्या हो वो समस्या मैं मीडिया से रख देता हूँ, वो लोग देख लेंगे इधर जो आप बोलते हैं। यहीं बैठेंगे, अपॉइंटमेंट आएगा तो काम कर लेंगे। हाँ, मीडिया से है, मीडिया भी जो कल का हुआ है, किसी का अभी तक मैसेज आया नहीं, जो रिप्लाई आया नहीं, अभी कल का फ्लाइट है, अभी क्या करेगा? सबका समस्या है, जो हम भारतीय जो दूतावास से अधिकारी लोग हैं, 4 दिन से रेगुलर मेल किया जा रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। कल की फ्लाइट है, हम लोग को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करें? ऑलरेडी वी हैव स्पेंट 1,00,000 रुपीज। किसने कहा था नेपाल से जा सकते हैं? किसने कहा था? इधर दूतावास ने कहा था, किसने कहा? ये दे आर गिविंग द परमिशन टू ट्रैवल इन योर कंट्री व्हिच इज नॉट अलाउड। ओके, डायरेक्ट फ्लाइट। हां, इंडिया से आप जा नहीं सक रहे? इंडिया से हम लोग नहीं जा सक रहे हैं, तो 2-3 कंट्री का फ्लाइट मिला था। नेपाल से हम लोग को परमिशन था, मतलब वी केम टू नो दैट वी कैन गो टू सऊदी अरेबिया थ्रू नेपाल आफ्टर क्वारंटाइनिंग फॉर 14 डेज। ऑलरेडी आप लोग सब क्वारंटाइन में बैठ चुके हैं यहां पे। बिल्कुल, फ्लाइट आफ्टर 14 डेज वी कैन नॉट गो। ओके ओके, 14 डेज वी कैन टेक द फ्लाइट, वी हैव टू स्पेंड, दे आर नॉट गिविंग द। जो कुछ हो रहा है आपका देश का पॉलिसी से हो रहा है, नेपाल के कुछ भी इसमें कोई भी कुछ भी आपको दुख देने के लिए किसी भी इंटेंशन नहीं है, जो है आपका दूतावास करना। अभी हम अंदर गया, हम अंदर जाके बोला भाई हमारा कल का फ्लाइट बोलता, हमको पूछ के किया था ये आपने फ्लाइट बुक। Now they are replying. Otherwise they हमने reply किया, reply नहीं है, हम क्या करेगा? Procedure करना चाहिए था पहले कि हमको mail करो तब appointment देंगे, तभी करेंगे, पहले नहीं किया। Even Friday तक उन्होंने NOC दिया है, ऐसे लाइन लगाकर जिनकी फ्लाइट है 3 दिन की दिया है। Now today is saying that कि जब तक mail नहीं आएगा तब तक होगा। Even 9, 10, 11, 12, 4 days I have mailed. But no reply, sir. No reply at all. Okay, किसी को रिप्लाई नहीं आया? नहीं, किसी को रिप्लाई नहीं आया। ओके, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल एम्बेसडर सर टू प्लीज लुक इनटू दिस केस एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, बिकॉज वी आर इन अ वेरी टायर्ड सिचुएशन ओवर हियर। वी हैव फिनिश्ड आवर क्वारंटाइन, आवर टिकट इज टुमारो टिकट, वी हैव टेकन COVID-19 टेस्ट, वी हैव अ ग्रेट लॉस ऑफ मोर देन 1,00,000 रुपीज। So I request our honorable ambassador sir to look into the case and work out any solution for us. Okay, thank you so much. Thank you. दर्शकबिन, यो भीड यतिखेर यो भारतीय दूतावास अगाडि छ र विशेषै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जाने अधिकांश हुनुहुन्छ, जो टिकट अलरेडी लिइसक्नु भएको छ, सेट अलरेडी छ, यति धेरै लाइन छ जसको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ छैन भनेर यो दूतावास अगाडि लाइन लगाइएको अवस्था छ र उहाँहरूमध्ये अधिकांश चाहिँ यतिखेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ, ठमेल लगायत विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको र भारतबाट विभिन्न देशमा उडान गर्न नसकिसकेपछि नेपालबाट उहाँहरू उडान भर्नको लागि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। मेरो थोरै बहुत चाहिँ हिन्दी त्यति राम्रो छैन, तर पनि मैले उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन गर्ने प्रयास गरेँ। कृपया यो हिन्दी, म नेपाली पत्रकार हुँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हिन्दी त्यति धेरै मलाई राम्रोसँग बोल्न आउँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। यसलाई कसरी हेर्ने हो नेपाल सरकार ले त यो हेर्ने विषय त होइन, तर पनि एक तरिकाले जो सशङ्कित छन् यहाँ अन्य, मलाई यो रिपोर्टिङ के प्राप्त भएको हो भने
भारतीय दूतावास अगाडि भारतका मानिसहरू भारतीय नागरिकहरूको चाहिँ यो एनओसी लिनेको ठुलो लाइन छ भन्ने रिपोर्टिङ आयो। आइसकेपछि म यहाँ आएको थिएँ र अधिकांश यहाँ अलरेडी क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नुभएको रहेछ, 14 दिनको क्वारेन्टाइन बस्नुभएको रहेछ काठमाडौँ आएर, र उहाँहरूको अधिकांशको टिकट चाहिँ कसैको आज बेलुका, कसैको भोलि, कसैको पर्सि, त्यस्तो छ। र यहाँनिर 2-3 प्रश्नहरू उब्जिन्छ। भारतमा चाहिँ यतिखेर विभिन्न देशले भारतबाट चाहिँ सम्बन्धित देशमा जानको लागि चाहिँ रोक्का गरेको अवस्था छ, किनकि भारतमा व्यापक रूपमा कोरोना भाइरस कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न देशमा जान रोकिएको अवस्थामा नेपालको बाटो हुँदै चाहिँ विभिन्न देशमा जानको लागि भारतबाट आउनुभएका नागरिकहरू यतिखेर लाइनमा हामी देख्न सक्छौँ। यो काठमाडौँको लाजिमपाट, यो लैनचौरसँगै लाजिमपाटमा रहेको यो दूतावासको लाइन हो, र तपाईँहरूले पनि बुझिहाल्नुभयो, दूतावासले पनि यो विषयमा विशेष त हेर्छ, ध्यान आकर्षण गर्छ होला। यसरी सकेसम्म म्यानेज गरिदिएको भए यहाँ अन्य नेपाली नागरिकहरूलाई पनि धेरै त्रास यहाँनिर छ, कोरोना महामारी भारतमा फैलिरहेको छ भन्ने विषय छ, तर त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था त छैन होला, किन भन्दाखेरि उहाँहरू अलरेडी 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर आउनुभएको भन्ने कुरा छ। अब क्वारेन्टाइनमा नै जुन कुराहरू लागू हुनुपर्छ त्यो भएको छ कि छैन, उहाँहरू क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ आउनुभएको छ तर क्वारेन्टाइनमा चाहिँ त्यहाँ रेगुलर चेकअप छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि रेगुलर चेकअप छ कि मतलब कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने कुरा भेरिफाई नभइकन यसरी लाइनमा बस्दाखेरि यो सङ्क्रमणको डर चान्स चाहिँ एकदमै बढी बढ्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषय अर्को विषय पनि के कुरालाई टच गर्छ भने, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैलाई यसले इफेक्ट पनि पार्न सक्छ, किन भन्दा नेपालबाट नेपालमा त्यति धेरै कोरोना महामारी छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालबाट विभिन्न देशमा जानको लागि सम्बन्धित देशले चाहिँ नेपाली जानलाई खुल्ला गरेको अवस्थामा यसरी नेपालको बाटो हुँदै दिनानुदिन भारतीय नागरिकहरू चाहिँ सम्बन्धित देशमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरैमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा नेपाललाई समेत ब्लक गर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा यो विषयमा विशेष त नेपाल सरकारले पनि ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी छ, र भारतीय दूतावासले यो जुन लाइनको म्यानेज गर्नुपर्ने छ त्यो लाइनको म्यानेज गरेको देखिएन। 4 बजे, 3 बजेदेखि, 2 बजेदेखि यहाँ लाइनमा बस्नेको ठुलो भिड छ।